आज की इस वीडियो में बात कन्हैया कुमार की करेंगे, जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। बात कन्हैया कुमार की उन इंटरव्यूज की करेंगे जो हाल ही में हुए हैं और जिनमें कन्हैया ने पत्रकारों की क्लास लगाई। TV9 भारतवर्ष पर कन्हैया कुमार का इंटरव्यू हुआ। एंकर ने मोदी सरकार को लेकर सवाल पूछना शुरू किया तो कन्हैया ने सरकार की आलोचना करनी शुरू की। एंकर ने कन्हैया को अपने सवालों में घेरने की कोशिश की तो कन्हैया ने भी इसका करारा जवाब दिया। जी, आप हमेशा से ही संविधान खतरे में ये बात करते हैं, आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में? अगर हम लोग मोदी विरोधी लोग होते तो मोदी विरोधी रैली होता, संविधान के सम्मान में ये रैली नहीं होती। प्रचार की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक चाय वाले का बच्चा चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना, ये तो लोकतंत्र की जीत है। लेकिन अगर वो चाय वाला है जैसा वो कहते हैं, हालांकि कोई उनकी चाय पी नहीं है, कोई उनके साथ पढ़ा नहीं है, फिर भी वो कहते हैं तो मान लेते हैं प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी वाकई इतने बुरे हैं? कुछ तो अच्छा होगा, कुछ अच्छा। अगर मैं बस इतना कहूँ कि अच्छाई है। सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो तमाम बुराई करते हैं अच्छाई के नाम पे। लड़ेंगे, इस देश में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उनके लिए लड़ेंगे। और आप पत्रकारों के लिए मजीठिया आयोग का जो रिपोर्ट है, उसकी जो सिफारिशें हैं, आपके टीवी का मालिक उसको लागू करें, हम इसके लिए लड़ेंगे। ये हमारा मुद्दा है। और इस मुद्दे से भटका करके इस देश में लोग क्या करते हैं ना, कोना कोना खेलते हैं, ये नहीं तो क्या, ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र। एबीपी न्यूज़ पर भी कन्हैया कुमार का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में कन्हैया से सवाल एबीपी के एंकर ने टुकड़े टुकड़े बोले जाने वाले को लेकर किया, जिस पर कन्हैया के जवाब देने पर जब एंकर ने टोकना शुरू किया तो कन्हैया ने एंकर की क्लास लगा दी। पंजाब में पार्टी आपस में झगड़ रही है, दिल्ली में ग्रुप 23 के नेता कह रहे हैं कि पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इन सारे माहौल में कन्हैया कुमार को कैसा लग रहा है? ये सवाल बार बार मुझे पूछा जा रहा है कि कैसा लग रहा है। बार बार ये जो सवाल है ना, दरअसल मेरे ध्यान को भटकाने के लिए है। नेताओं से सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं और यही परंपरा धीरे धीरे भारत में भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से आप अपने पत्रकारिता के अनुभव में प्रधानमंत्री का तो इंटरव्यू नहीं ले पाए होंगे, लिए हैं क्या? आप वही सवाल अक्षय कुमार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ नहीं, अक्षय कुमार को कांग्रेस में कैसा लग रहा है? प्रेसिडेंशियल डिबेट का एक आपका भाषण बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, एक ही कांग्रेस काफी है। तो ये बदलाव बिल्कुल यूटर्न ले लिया कन्हैया ने, इस पर आपकी क्या सफाई? भाजपा के नेता थोड़ी एक यूटर्न ले लेंगे कि जो है शाखा में जाएंगे, गोट से करेंगे और जब कैमरा होगा तो गांधी करने लगेंगे। हम लोग यू टर्न लेने वाले लोग नहीं हैं। दिक्कत जानते हैं क्या है? जब से ये वीडियो एडिट होने लगा है ना, तो आपको भी हम चाहें तो सलमान खान बना दें। टाइम्स नाउ के पत्रकार ने कन्हैया कुमार का इंटरव्यू लिया। पत्रकार ने कन्हैया को भाजपा सरकार को लेकर सवाल किया, जिस पर कन्हैया ने जवाब देना शुरू किया और आलोचना की। जब एंकर ने उन्हें सवाल में घेरने की कोशिश की तो कन्हैया ने ऐसा होने नहीं दिया। कांग्रेस तो आपने ज्वाइन कर ली, ये भी बोल दिया कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, कांग्रेस ही क्यों? सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का स्वागत। और आप किसके लिए? मिरर नाउ के लिए, टाइम्स नाउ। अच्छा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, गंगाधरी शक्तिमान है। भाजपा वापस से बाहर आ रही है। भाजपा कह रही है कि ये जिनको कांग्रेस ने लेकर आए हैं ये एंटी नेशनल है, ये ऐसी बातें करते थे, देश तोड़ो की बातें करते थे। एक इमेज आप चाहे ना चाहे बना दी गई है कन्हैया कि कुछ लोग भाजपा में अमित शाह के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के रहते हुए अगर ऐसी परिस्थिति है, 6 साल हो गया है इस घटना को, एक ही बात जो है एक ही रिकॉर्डर पे बोले जाते हैं। एक वीडियो फिर ट्वीट कर दिया कहीं से, वो चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप तो मीडिया के आदमी हैं, आपका गर्दन काट करके हम सलमान खान का गर्दन लगा देंगे तो आप सलमान खान थोड़ी हो जाएंगे। तो वीडियो एडिट किया जा सकता है, किसी के बारे में कुछ भी चलाया जा सकता है, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। न्यूज़ नेशन के पत्रकार ने कन्हैया कुमार का इंटरव्यू लिया। पत्रकार ने कांग्रेस में आने की वजह से शुरुआत की, जिसका कन्हैया ने सही से जवाब दिया, पर एंकर कांग्रेस के बीच आपसी विवाद का सवाल बार बार करने लगे, जिस पर कन्हैया ने पत्रकार को सुना दिया। तो कांग्रेस पार्टी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करे, ये हमारी इच्छा होगी। आप किसी टीम को ज्वाइन करेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करे। जिस नाव पर सवार हुए हैं, जिस कश्ती पर सवार हुए हैं, उसमें तो इतने हिचकोले हैं। देखिए 5-6 जो है ना टिक टैक देने के बाद हम समझ गए हैं कि आज आप लोग G3 पे ही सुनना और जानना चाहते हैं। कल भी, आज भी, परसों भी बयान यही चल रहा है, तमाम चीजें यही चल रही है। हमसे सवाल कर रहे हैं तो हमारा जवाब भी तो सुन लीजिए। आपका इंटरेस्ट सिर्फ इसी चलाने में है, ठीक है, आप चलाइए। लेकिन एक बात बताइए, अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो मुझे लगता है कि भाजपा का लेवर किसी को नहीं खुश होना चाहिए। आपको इस बात की खुशी है क्या? हम सवाल किस करते हैं, हम खुशी और दुखी में नहीं है। जो वस्तु स्थिति जमीन पर है उसका सवाल है। वस्तु स्थिति जो जमीन पर है उसको अगर आप देख पा रहे हैं तो हम भी देख पा रहे हैं। अगर हम ये निर्णय लिए हैं तो जरूर कुछ सोच करके लिए हैं। तो आपको नहीं लगता है एक सवाल को पूछने में थोड़ा जल्दबाजी लोग कर रहे हैं? अभी तो 2 दिन हुआ है आए हुए। कन्हैया कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने कुछ घटनाओं का जिक्र कर सवाल किया, जिस पर कन्हैया ने पत्रकार को ही आईना दिखा दिया। आपने वो वीडियो देखा क्या, लाश के ऊपर डांस? देखा ना, दिल पसीज गया होगा आपका। आपको नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ भी कर जाऊँ जो मैं कर सकती हूँ। आप जब सुनती होंगी कि बलात्कार हो गया किसी महिला के साथ, आपका गुस्से से जो है ना पूरा शरीर कांप जाता होगा। देश खतरे में है, पार्टियाँ तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या? हर शाम पार्टी होती है इस देश में। पार्टी नहीं बचाना है, देश बचाना है, और देश बचाने की मुहिम में जो पार्टी रहेगी वो पार्टी भी बचेगी। सी, आई एम नॉट हियर टू सेव द पार्टी, प्लीज, आई एम रिस्पेक्टिंग यू एज ए सिटीजन, यू कैन रिस्पेक्ट माई राइट। देश खतरे में है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे, समझ रहे हैं। अंग्रेजी का वो फ्रेज है डांसिंग ऑन डेड, डेड बॉडी पे कोई नाच रहा है, उस दिन खाना तो नहीं खाया गया। आप सोच के देखिए, आप इस पे विचार करके देखिए। जनता पार्टी का आरोप को कौन पूछता है? आपका ऊपर आपका कोई आरोप है मेरे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ, आपका कोई आरोप है? आप सवाल पूछिए। हमने अपने आपके सवाल को अपने आप लेते हुए हमने अपने पूरे वक्तव्य को रखा। हमने कहीं भी कहा कि हम कोई टीम बना रहे हैं, BCCI थोड़ी है सर, मतलब टीम बना रहे हैं। हम एक आग्रह करें, आप लोग ना लड़ाई नहीं लगवाइए हमारे दोस्त के बीच में। भोरे से जो है ट्विटर पे आप लोग क्या क्या चला दिए हैं, और लोग हमको पूछ रहा है कि जिग्नेश का नाम काहे नहीं ट्रेंड कर रहा है। मैं आपसे ही आग्रह कर रहा हूँ, हम ना अलग अलग लोग नहीं हैं, यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है, तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो, मंच के तरफ मुखातिब हो, मैं भी जवाब दे दूंगा। आपको कन्हैया कुमार का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।